खाना। ले जाइए। कहा ना आपको, खाने का मन नहीं है हमारा। चाहे खाना छोड़ दे या पानी, हमरा बेटा तो वापस नहीं आने वाला। ना जाने हमरा पुनीत कहाँ होगा, परंतु आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो बाप है ना, भोगती तो माँ है, सहती तो भोग जाइए। ऐसा मत बोलिए, हम बाप हैं, कोनो कसाई नहीं है। अगर आप उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा किए तो हम उसे अपना स्नेह पिरो कर, समझिए। तो फिर हो खड़ी, काहे मार डाला आपने अपने स्नेह को, दुई शब्द अगर प्यार के कह दिए होते तो हमरा पुनीत आपकी बात कभी नहीं उठाता, वो रुक जाता। पुनीत हमें छोड़ के नहीं जाता, वो रुक जाता। देखो, मेरे लिए बाबूजी। तुम्हारे लिए, हमको अपनी बेटी के मन का भाव पढ़ना आता है। देख बेटी, तुम्हारे बाबूजी तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम एक दिन पुनीत बाबू के पास जाकर उनका प्रोग्राम देखो, है ना? अगर मन में दृढ़ इच्छा हो तो भगवान भी उसके सामने झुक जाते। अरे बेटा, वो गायक है, बहुत बड़े गायक, वो क्यों आएंगे तुमसे मिलने? कहीं आसमान धरती से मिलने आता है? धरती लालायत रहती है आसमान से। पता नहीं बाबूजी कैसे होंगे, कब छोड़ेगा डॉक्टर उनको, कब देखेंगे हम उनको।
सोच रही होगी कि हम सुबह सुबह अचानक यहाँ क्यों आ गए। दरअसल हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हम जो यहाँ पर आपसे मांगने आए हैं वो हमें मांगने आना भी चाहिए था या नहीं। बस एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ। आपसे कुछ मांगने, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। पता नहीं हम जो आपसे मांगने आए हैं वो हमें मिलेगा भी या नहीं, फिर भी हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। आप हमरा से माफी काहे मांग रहे पुनीत बाबू, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर वालों ने जो आपके साथ बदसलूकी की है, आपके भाई निलय और बहन नीलू के साथ जो बदसलूकी की है, उसके लिए हम शर्मिंदा। हो सके तो नहीं पुनीत बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे माफी मांग रहे हैं। आप हमसे माफी मांग करके हमको पाप का भागी मत बनाइए। और वैसे भी गलती हमारा ही था, हम अपना औकात ही भूल गए थे। भावना में बह करके उतना बड़ा घर का बहू बनने का सपना देखने लगे। आपकी पत्नी बनेगी ये भूल गए थे कि छोटा लोग को सपना देखने का तो कोई अधिकार ही नहीं होता है। नहीं नाना, ऐसा नहीं है। कौन कहता है कि आपको सपना देखने का हक नहीं, प्रेम करने का अधिकार नहीं? ये किसी की बपौती नहीं है, इस पर किसी का जोर नहीं और ना ही किसी की पाबंदी। और दूसरी बात, प्रेम की पहल पहले हमने, इसलिए वो गलती, वो अपराध जिसे घर वालों ने आप पर थोपा, उसे आप पर नहीं हम पर थोपना चाहिए था। दोषी हम हैं, दोष हमारा है। नीले, नीले उठो, दीदी भोरे भोरे किनसे बतिया रही है? चलो नीला, चल कर देखते हैं। हाँ, पता नहीं किनसे बतिया है। चल। और अगर उन्हें हम चाहिए तो उन्हें हमारे साथ आपको भी कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारा जीवन है, जीने का मकसद है आप। हम आपसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम। हेलो चाचा जी, हम राज बोल रहे हैं। प्रणाम। जीते रहिए राज बाबू। पुनीत कहाँ है? वो तो करना बंद करिए। समझ रहे हैं ना? बताइए कहाँ हैं आप लोग? नहीं, हमारा मतलब नैना जी से वो बस। समझ गए हम।
बताइए आप कहाँ हैं? हम ये मिमियाना बंद कीजिए। हमारे सामने पैदा हुए हैं आप, ये बच्चा है, समझना। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए राजबाबू, जो जिंदगी देना जानता है ना, वो जिंदगी लेना भी जानता है। मरने वरने की बात नहीं कर रहे हैं आप, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो रोजी रोटी देता है वो रोजी रोटी छीन भी लेता है। फैसला कर लीजिए कि दाना पानी उठवाना है कि रखवाना है। बाकी चाचा जी, हम ऐसे कौन गलती कर दिए जो आप हमसे बहुत नाराज हैं? हम आपसे बहुत ही नाराज हैं। बाकी हम आपको फोन सिर्फ इसलिए किए हैं, पुनीत अभी बच्चा है, हा? नादान है वो, लेकिन आप बड़े हैं, समझदार हैं, समझे ना? जी जी। और इस नाजुक वक्त में आप उसका नहीं, हमारा साथ देना चाहिए। जी जी। और दूसरी बात, अगर आपने इस नाजुक वक्त में हमारा साथ दिया, हम आपके सारे काल कष्ट दूर कर देंगे, समझ गए ना? देखिए चाचा जी, हम तो आपके साथ हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए तो मुस्कान आपके होठों पर कितनी प्यारी लग रही है। क्या करें पुनीत बाबू, जिंदगी ने तो कभी मौका ही नहीं दिया ये सोचने का कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और अब हम कभी आपको फुर्सत नहीं देंगे किसी बुराई के बारे में सोचने की। हम अभी इसी वक्त अपने घर वालों की गलती का पश्चाताप करने जा रहे हैं। हम आपसे अभी इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। आपकी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगाकर हम आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। अगले 7 जन्मों तक के लिए हम आपको पति पत्नी के बंधन में बांधना चाहते हैं। नहीं नहीं पुनीत बाबू, ये नहीं हो सकता है। हाँ, अगर रिश्ते की गहराई को नहीं समझता तो शायद नहीं क्या। पुनीत बाबू, शादी कौनो गुंडा गुड़िया का खेल नहीं है कि जब जी चाह जिससे चाह कर ले। अरे शादी तब एक पवित्र बंधन, जन्म जन्म का रिश्ता है। एक छोर मजबूती से बंधा होता है, अपना लोक के प्रेम से, समाज के नियम से, कुल खानदान के मान मर्यादा से, तो दूसरा छोर मजबूती से बंधा होता है इन सब के दायरा में खड़ा लड़का लड़की से। और हम
हामी दायरा में नहीं आते हैं। यही से हम विवाह भी नहीं कर सकते। हम भी जानते हैं इस बात को नैना, पर क्या करें जब कोई हमारे सच्चे प्रेम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो हम क्यों किसी की गलती की सजा भुगते? पुनीत बाबू, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, पर आप भी तो समझिए, हर माँ बाप अपना बेटा बेटी को लेकर सपना सजोता है, सपना देखता है, ओकरा बियाह खाते हमरे माँ पिताजी भी तो देखे होंगे, फिर उनको बिना बताए बिना उनकी इजाजत के हम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, परिस्थिति भी हमको इजाजत नहीं देता कि हम इतना बड़ा कदम उठाए। नहीं पुनीत बाबू, तो ठीक है, ले लीजिए इजाजत, बता दीजिए अपने माँ बाबूजी को कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कह दीजिए उन्हें कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करने जा रहे हैं। लीजिए। हेलो चाचा जी। हाँ क्या हुआ, पुनीत कहाँ है? चाचा जी हम आपको कैसे बताएं? पुनीत बाबू नैना से ब्याह करने जा रहे हैं। क्या क्या हुआ? पुनीत नैना से ब्याह करने जा रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए, हम बात करते हैं। भाई साहब अब फोन हमें दीजिए, हम बात करते हैं। राज बाबू जी, एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, पुनीत और नैना का ब्याह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय जी, जी। हाँ सोच रही हो दीदी, फोन कीजिए। कीजिए फोन। पुनीत बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीदी, फोन कीजिए आप। दीदी कहते हैं कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, कीजिए फोन और बता दीजिए सब सच सच। हाँ दीदी, ये विधि का संकेत है दीदी, पुनीत बाबू के रूप में सौभाग्य आपके जीवन पे खरा दस्तक दे रहा है दीदी, आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको फोन करना चाहिए दीदी। हाँ दीदी फोन करो ना, देर करो मत दीदी, करो फोन दीदी। करो फोन कीजिए, मिलाइए फोन दीदी, कीजिए फोन, फोन कीजिए दीदी, सोचिए मत, फोन कीजिए, मत करो दे दीदी, आपको फोन करना चाहिए दीदी। भैया जी, भैया जी देखो क्या हुआ, आइए। क्या बात है? कुछ बात है। अरे बात क्या है? आइए। देखो भैया जी, जो आप करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए फैसला लेने से पहले तो
तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ना ना, कुछ नहीं हुआ। हुआ ये है कि दूल्हा बनने जा रहे हैं आप। ये शादी बारात का मामला है, कोई बराती नहीं है आप। कि बारात में गए, हलवा पूरी खाई, घंटा दो घंटा में निपटा के आ गए। अरे जिंदगी भर साथ रहने की बात है ये, जिंदगी भर। इसलिए कह रहे हैं फैसला लेने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि। राज बाबू, मैंने जो भी फैसला लिया है जल्दबाजी में नहीं लिया है, बहुत ही सोच समझ कर फैसला लिया है, ठीक है? और हाँ, अच्छा होगा कि अगर अगर आप बीच में ना बोले तो। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे बीच में। हम बीच में बोलने वाले होते कौन? नहीं बोलेंगे हम। माता जी बात कीजिए, माता जी। हेलो 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 पुनीत बेटा, बेटा आप हमारी पूरी बात सुनिएगा, फोन मत काटिएगा। हाँ कहिए कहिए माँ। बेटा आपके बाबूजी से हमारी बात हो गई, वो नैना से आपका ब्याह कराने को तैयार है। बेटा उनका ये कहना है कि अगर अगर आप नैना के साथ खुश हैं, आपको नैना इतनी पसंद है, तो उनको कोई एतराज नहीं। बेटा आप जल्दी से घर आ जाइए, फिर हम पंडित जी को बुला के एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे और आपकी और नैना की शादी करवा देंगे। बेटा आप सुन रहे हैं ना? हाँ माँ, माँ मैं सुन रहा हूँ। नैना इस घर की होने वाली बहू है, तो यूं सुने सुने तो उसे नहीं उतारेंगे ना इस घर में। बड़े धूमधाम के साथ आपका ब्याह उसे कराएंगे। उन्हें बेटा आप आ रहे ना घर? बोलिए ना बेटा, आप आ रहे हैं ना? माँ आप सच तो कह रही हैं ना? हाँ बेटा हम सच कह रहे हैं, आप आ रहे हैं ना घर पे? सबसे पहले माँ हम ये खुशखबरी नैना को सुना देते हैं, वो ये सुनकर बहुत खुश होगी माँ। ठीक है माँ, हम फोन रखते हैं, फिर घर आकर आपसे बात करते हैं। बाबूजी शादी के लिए तैयार हो गए। क्या? मैं ये खबर नैना को सुना के आता हूँ। बाबूजी मान गए? ऐसे कैसे? नैना, 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 जानती हो आज हम बहुत खुश हैं, बहुत। अचानक ऐसा कहाँ हो गया पुनीत बाबू? अचानक दुनिया की सारी खुशियाँ हमें मिल गई नैना। हाँ सच। समझ नहीं पा रहे, बताइए ना क्या हुआ? घर से माँ का फोन था, माँ हमारी शादी के लिए तैयार हो गई है नैना, और माँ ही नहीं बल्कि बाबूजी भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं, घर के सभी लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो गए नैना। हाँ सच? हाँ बिल्कुल सच। अरे ये क्या रोना शुरू कर दिया? पुनीत बाबू ये तब खुशी के आंसू है। जानते हैं हम इन आंखों की फितरत को। अब क्या हुआ? नहीं पुनीत बाबू, हम ही सोच रहे थे कि आज अगर यहाँ बाबूजी होते तो कितना खुश होते। मन छोटा मत कीजिए, आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। हाँ एक बात याद रखिए, आइए
हिट टियर्स। आंसू खुशी के हो या गम के हो, आपके चेहरे पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मुझे वीना देवी जी से मिलना। जी मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। वॉल बॉल। हाँ सिस्टर। बेड नंबर 203 से वीना जी को बुला के ला। हाँ सिस्टर, वीना देवी को आप भी बुलाती हूँ। प्लीज आप वहाँ बैठ जाइए, वो आते ही होंगे। जी थैंक यू। क्या बात है, हमसे कौन मिलने आया है? जी वो आपसे मिलने आए। जी जी जी, हमारा नाम प्रबल हुआ विनय, हम पुनीत के बड़े भाई। प्रणाम। जी जी नमस्कार। आपको तो पता है आपकी बेटी नैना हमारे घर की नौकरानी। से कौनो बात करनी है। का बात करनी है? अगर बात जल्दी कर लेते तो हमको अस्पताल भी जाना है। नमस्ते। ठीक है। आप लोग यहां से जाइए, हमको इनसे बात करनी है। बैठो। जी देखो, बात समझने की कोशिश करो। हाँ? सब इंतजाम करवा दे रहे हैं तुम्हारा। We'll be right back.
समझे कि नहीं? दया शंकर, दया शंकर। जी भैया। लक्ष्मी बंद अच्छी नहीं लगती है। रख लो, रख लो। अब हम जाएं? जाओ, बाकी हमारी बात याद रखना। हाँ, आप निश्चिंत रहिए मालिक, बीना देवी का वचन है। तो समझ लीजिए कि पुनीत बबुआ कुलक्षणी से हमेशा के लिए दूर हो गए। अरे हम तो परछाई भी नहीं पड़ने देंगे उस पर। कहाँ जा रही हैं? अस्पताल? वहाँ करम फूट ना लिखवा के आए तो अस्पताल ही जाएंगे ना मालकिन। ड्राइवर छोड़ देगा आपको। प्रबल जी माँ, ड्राइवर से कहिएगा इन्हें अस्पताल छोड़ा है। जी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठीक है ठीक है, जाओ। इच्छा तो नहीं हो रही है पर जबान मजबूर है। हम बहुत जल्द वापस आएंगे और आपको हमेशा के लिए डोली में बिठा कर ले जाएंगे। क्या हुआ, क्या आप हमारी शादी की खबर से खुश नहीं है? नहीं पुनीत बाबू, हम बहुत खुश हैं पर न जाने कहा है हमारा जी बहुत घबरा रहा है। पर अब तो सब कुछ ठीक हो गया है और बहुत जल्द हम शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। हम जानते हैं पुनीत बाबू, पर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? मतलब सब लोग कैसे राजी हो गए? देखो ना, ये तुम्हारा वहम है जो तुम्हें डरा रहा है, और डरने की कोई बात ही नहीं है। हम है ना। अच्छा, अब आप आज से ना सपने देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सपने जिंदगी को नया आयाम देते हैं। हम कोशिश करेंगे पुनीत बाबू। अच्छा, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पुनीत बाबू, ये फोन? ये आप अपने पास रखिए। जब भी आपका मन करे, आप हमसे बात तो कर सकते हैं। अच्छा। जुड़ा गई हमरी। 10 साल में कम से कम पहली बेरी कहा तो कि हमको देखकर अच्छा लग रहा है। हमारी खुशी के लिए हमारी बात मानकर आपने सिद्ध कर दिया माँ कि आप हमें कितना प्यार करती हैं। नैना से शादी की रजामंदी देकर आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और बेशकीमती उपहार दिया है। माँ बाप की खुशी बेटे की खुशी में होती है ना। अगर अगर आपकी खुशी नैना से ब्याह करके है तो फिर हम सबको का इतराज़ हो सकता है।